चाचा चौधरी और लेने के देने पड़ गए। एक दिन रास्ते में, उस्ताद झल्लेखा, मैं ये लड्डुओं का डिब्बा ले आया, आओ आप इसे खाएं। नहीं जमूरे, ये लड्डू खाने के लिए नहीं मंगवाए, बल्कि इनसे और फायदा कमाने के लिए मंगवाए हैं। और जो भी फायदा होगा हम पहले की तरह आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है। तभी उन्हें चाचा चौधरी आता हुआ दिखाई देता है। कोई आ रहा है, जल्दी से इस दीवार के पीछे छुप जा और वैसा ही करना जैसा कल किया था। चाचा चौधरी सर पर एक देसी घी का कनस्ता उठाए हुए नजदीक आते हैं। वाह, देसी घी का कनस्तर, अगर मैं इसे हथिया लूं तो ये घी कम से कम 400 रुपए का होगा। तभी उस्ताद झल्ले खां चाचा चौधरी को आवाज लगाता है। तुम आ गए, हम जानते थे तुम इधर से गुजरोगे। वो कैसे? हम जादू के जरिए सब कुछ जान लेते हैं। क्या तुम जादू का खेल देखोगे? दिखाओ। इस कनस्तर को दीवार के पास रख दो। चाचा चौधरी उस कनस्तर को झल्ले खां की बताई जगह पर रख देते हैं। लो, रख दिया। झल्ले खां एक कपड़ा कनस्तर के ऊपर डाल देता है। तुम्हारे कनस्तर पर ये कपड़ा डाल दिया है। और फिर झल्ले खां एक मंत्र बोलता है। अंतर मंतर जंतर, कनस्तर हो जा छू मंतर। झल्ले खां कपड़ा उठाता है। लो, तुम्हारे सारे घी के लड्डू बन गए। और मेरा कनस्तर? वो गया पाताल में। हैं? तुम ये लड्डू खाओ और मौज उड़ाओ। चाचा चौधरी उसके हाथ से लड्डू का डिब्बा ले लेते हैं। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो लड्डू ही खाता हूँ। अच्छा, अब मैं चला, टाटा। उस्ताद झल्ले खां दीवार की दूसरी ओर जाता है। अरे जमूरे, भाग, कहीं उसे पता न चल जाए। दोनों जने वहां से भाग खड़े होते हैं। कुछ दूरी पर पहुंचकर, आओ अब इस कनस्तर को खोलें। दोनों कनस्तर को खोलते हैं और कनस्तर खोलते ही हैं, कनस्तर में तो राख भरी है। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। ये राख मैं कनस्तर में भरकर कॉर्पोरेशन के कूड़ेदान में फेंकने जा रहा था। हैं? ले ले।